हम इफ फॉर्मूले की एग्जांपल कर रहे हैं, और इफ फॉर्मूले की एग्जांपल में मुझे इस नाम में से जो नाम डुप्लीकेट है उसको यू देना है, और जो नहीं जो यूनिक है उसको यू, जो डुप्लीकेट है उसको डी देना है। तो सबसे पहले हम इसको शॉर्ट कर लेते हैं ताकि सारा नाम इकट्ठा आ जाए। फिर यहाँ हम करते हैं इक्वल कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाले, ठीक है, सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो यहां पे आ जाए डी, मतलब कि डबल है, डुप्लीकेट। अदरवाइज यू मतलब कि यूनिक दिखेगा, ठीक है। और इसको करते हैं एंटर, और इसको नीचे की तरफ ड्रैग। तो अब देखिए क्या हुआ कि ये दोनों आपस में बराबर है इसलिए यू आया, और यहां आप देखेंगे ये दोनों आपस में बराबर नहीं है तो ये आपका डी आया, ठीक है। बराबर इसमें कैसे हो गया? आपने आपने कहा इज इक्वल टू है, बराबर है, तो हाँ बराबर देखिए, कैसे हो गया? वो तो यहां नाम देखिए है, ना, कैसे आपका? देखिए अजीत और नेम आपस में बराबर है तो डी आएगा, बराबर नहीं है तो यू आएगा। तो यहां तो बराबर नहीं है ना, नेम और अजीत है, लेकिन जब इसके नीचे हम यहां कर्सर रखते हैं तो यहां तो बराबर है, यहाँ पर बराबर। ओके 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 समझ गए। अब जी 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 इसके लिए यहां पे करते हैं। अब इसी में आपको मान लीजिए सीक्वेंस नंबर देना है, 1 2 3 इस तरह से सीक्वेंस देना है, तो क्या करेंगे, तो नीचे आते हैं, यहां देंगे कि इफ सामने वाली वैल्यू अगर इक्वल टू है अपने ऊपर वाले वैल्यू से तो ऊपर वाले वैल्यू में +1 कर दे, नहीं तो 1 से शुरू कर। कंडीशन देखिएगा सर कि सामने वाली वैल्यू अगर बराबर है अपने ऊपर वाली वैल्यू से तो C+1 मतलब ऊपर वाली वैल्यू में +1 कर, ओके नहीं तो क्या करें, नहीं तो 1 से चालू करें। आ नहीं तो 1 से स्टार्ट करें, ठीक है, क्लियर है। जी। यहां पे ओके करते हैं, नीचे की तरफ ड्रैग। ठीक है, ठीक समझ में आ गया आपको, तो डाउट्स है में। जी। आ गया नहीं अब मैं आ चाहता गया हूं नहीं, नहीं। सबको एक यूनिक नंबर दे, मैं अजीत को 1 दे दिया, देव को 2 दे दिया, ऐसे सबको यूनिक दे, तो ओके क्या करेंगे लोग, बात करें, बात करवा। ऐसा है तो ऊपर वाले वैल्यू को ही शो करें, अदरवाइज ऊपर वाले वैल्यू में 1+ कर, ठीक है। मतलब अगर दोनों बराबर है तो ऊपर वाले वैल्यू में डालें, अदरवाइज ऊपर वाले वैल्यू को ही प्लस कर। नीचे ड्रैग कीजिए आगे की तरफ बढ़िए, ठीक है। अब चलिए और एग्जांपल देखते हैं इसके। जैसे सीरियल नंबर की बात चल रही है, यहाँ पे सीरियल नंबर है या नेम है या क्वांटिटी है, मान लीजिए और भी चीजें हो सकती है। तो मैंने यहाँ 1 लिखा, पूजा लिखा और नंबर दिया, फिर 2 लिखूंगा, मैं चाहता 2 मुझे ना लिखना पड़े, मैं जैसे नेम लिखूं ये अपने आप आ जाए, मतलब मुझे लिखने की जरूरत ना पड़े, ये अपने आप आ नो जाए, समझ गए। जी। तो यहां फॉर्मूला देंगे, यहां देंगे कि इफ अगर सामने वाली वैल्यू
ग्रेटर देन जीरो है। समझे? तो प्लस वन ऊपर वाली वैल्यू है, नहीं, ग्रेटर अदरवाइज भी देन जीरो होगा। है तो ऊपर वाली वैल्यू में प्लस वन कर। अब यहां ग्रेटर देन जी जीरो क्यों जी लिख रहा हूं? क्योंकि यहाँ पर कुछ भी क्योंकि अगर अगर ब्लैंक ब्लैंक होगा, होगा ब्लैंक से ब्लैंक से ज्यादा। ज्यादा। तो क्या है कि जब भी आपका ब्लैंक सेल होता है, एक्सेल उसको जीरो मानता है। ओके। ठीक है, और उसमें कुछ टाइप है, इट मींस ओके ग्रेटर देन जीरो है। ओके ठीक है, तो यहां हमने ये ऐसे ही किया है, और अदरवाइज यहां पे इन्वर्टर कॉमा ओपन एंड क्लोज कर दिया क्योंकि ब्लैंक शो कर। अब इसको नीचे की ओके तरफ ड्रैग कर। अब यहां पे मैंने दिया मोहन, हमने दिया पूजा, आ रहा है सर? जी। बट इसमें छोटी सी प्रॉब्लम, इस प्रॉब्लम को हम डिस्कस करेंगे अभी थोड़ा देर में, फिलहाल इस प्रॉब्लम को करते हैं होल्ड। ओके अब सीरियल नंबर की बात चली है तो मैं चाहता हूं कि भाई स्टार्ट एक से है और एंड जो हमारा है वो यहाँ पे एंड जो है यहाँ पे मान लीजिए 10, मतलब कि एक से लेके 5 तक ही बने। सीरियल नंबर एक कर दिया और यहाँ पे करते एक, ऊपर वाली वैल्यू में अगर +1 करते हैं, अगर वो ग्रेटर देन L7+1 इज ग्रेटर देन 5, ऐसा फाइव है तो ब्रैकेट ओपन और क्लोज हो जाए, अदरवाइज ऊपर में +1। समझे? ओके जी नीचे ड्रैग जी करते समय P3 को करना होगा हमें फ्रीज, ताकि P3 P4 ओके ना हो, और कर दिया नीचे की तरफ ड्रैग। अब यहां 5 तक तो सीरियल दिखाया, छठा आपका ब्लैंक, सातवां आपका यहां पे आगे एरर। एरर क्यों है सर? क्यों कुछ आइडिया बताइए। नहीं, ओ ये ब्लैंक आया है इसलिए जी हाँ, ब्लैंक ब्लैंक जो हमने किया, इट मींस कि ब्लैंक जो हो गया, इसका मतलब हुआ कि टेक्स्ट है। क्या है? टेक्स्ट टेक्स्ट। है। समझे? टेक्स्ट है। इसके लिए क्या तो करेंगे? इसको हाँ इसको इफ बताइए एरर, यहां पे हमारे पास इफ एरर का फॉर्मूला है। इसका है इफ एरर, इफ और यहां पे कॉमा, इनवर्टर कॉमा ओपन क्लोज, और यहां पे हमने इसको नीचे ड्रैग कर दिया क्योंकि ब्लैंक सही है, तो ये सारे एरर को रिमूव कर दिया। इफ एरर का फॉर्मूला क्या करता है कि अगर आपका कहीं ब्लैंक है, मतलब कि कोई अगर फॉर्मूला एरर दे रहा है, जैसे ये फॉर्मूला हमको एरर दे रहा है, तो उसके जगह पे मैं जो चाहूँ वो शो कर सकते हैं। जैसे कि यहाँ आपने देखा कि मैंने चाहा कि ब्लैंक शो, तो ब्लैंक शो। ओके जैसे ठीक है, इफ एरर में आ रहा वैल्यू रखो फिर वैल्यू इफ एरर हाँ मतलब नहीं, नहीं समझे। दो कंडीशंस आपको इफ एरर रखना। के दो पार्ट है, इफ एरर के अंदर यहाँ पे दो पार्ट है। अब दो पार्ट में आप जो रखना चाहे रख सकते हैं। तो तो पहली तो पहले होगी वैल्यू जो मेन वैल्यू नहीं, वैल्यू। दोनों में वैल्यू रख सकते हैं कि आप दो वैल्यू रखें, अगर ये एरर आया तो इसको शो करें, अदरवाइज इसको शो करें। ओके समझे? अगर एक में एरर ओके आया तो दूसरा शो करें। मतलब मान लीजिए कि दो फॉर्म, माने दो वैल्यू कब लगाने, दो अलग अलग शीट से वैल्यू कब लगाना है। आप चाहते हैं कि भाई डेटा वन में वैल्यू कब ना मिले तो डेटा टू दिखा दें, डेटा टू में ना हो तो डेटा थ्री दिखा दें, ओके तो वहां पे हम इसका इस्तेमाल कर सकते। ओके समझ समझे? गया। मतलब इसमें ये दो कंडीशंस अप्लाई करते हैं इफ वाले फॉर्मूले जी, बिल्कुल में। ओके ठीक है। जी।
तो यहाँ पे मेरा इफ एरर जो है वो दे रहा था, एरर दे रहा था, मुझे पता है कि एरर है, तो एरर के जगह पे हमने बोला कि ब्लैंक, क्योंकि मुझे पता है कि एरर देगा, क्योंकि ब्लैंक के प्लस वनों में पे एरर आएगा ही। ठीक है, क्लियर है? जी। अब यहां ये हो गया हमारा, बट यहां एक अलग खेल है कि मैं एक रो ब्लैंक छोड़ के यहां अगर दिखता हूं इंदर, तो एरर आता है, जी। और एरर के पीछे वही रीजन है जो यहां था, जो इसलिए मैंने बोला था मैं बाद में देखता हूं। ऐसा इसलिए ओके क्योंकि ऊपर जो आपका दिख रहा है वो क्या है, I7। I7 में बिल्कुल क्या है, ब्लैंक, तो ब्लैंक के ब्लैंक प्लस वन तो होगा नहीं सर, जी। समझे? तो ब्लैंक में प्लस वन होगा नहीं, इसलिए जो है यहां रख देना इसमें है। भी एक अब आपको इस फॉर्मूले को मॉडिफाई करना है, ऐसा कुछ फॉर्मूला लगाना बार है जो कि यहां पे हमारा वैल्यू को कंटिन्यू कर, जी समझ गए? क्लियर जी 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 है? जी